पिपरिया लावाछा विस्तार से फिर एक बड़ा मामला, मामला 22 वर्षीय युवक का। मामले के घटते स्थानीय पुलिस बल घटनास्थल पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलवासा न्यूज लाइन में। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एक तरफ पूरा देश महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जन्म जयंती में अलग अलग कार्यक्रम में व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर वापी के डुंगरा विस्तार में आए हुए लावाछा हरियाणा होटल के पीछे उमेश प्रसाद के रूम में रहने वाले करीब 22 वर्षीय हैं गुड्डू कुमार। उन्होंने दे दी अपनी जान। गुड्डू कुमार मूल रूप से बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जो यहां पर अपने चाचा चाची के साथ रह रहा था। यह मामला है 2 अक्टूबर करीब रात 9 बजे का, जहां पर गुड्डू अपने ही घर में साड़ी से खुद को पंखे में फंदा लगाकर लटक गया। मामले की जानकारी जैसे ही विस्तार के लोगों ने पुलिस को दी तो फौरन डुंगरा पुलिस मामले की तहकीकात के लिए घर पहुंची, जिसके बाद फंदे से गुड्डू को उतारा गया, जहां पर उसकी सांस चल रही थी, जिसके बाद उसे फौरन 108 इमरजेंसी सेवा के जरिए सिलवासा सिविल अस्पताल के लिए भेजने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी और गुड्डू की जान चली गई। गुड्डू के शव को सिलवासा के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं पूरे मामले की छानबीन और जांच पड़ताल के लिए डुंगरा पुलिस अपने काम में जुट गई। देखिए पूरी खबर। इसी तरह आसपास की खबरों को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह मामला खबर आपको कैसे पता चला? मैं 10-15 मिनट पहले अभी घर पे आया। मैं रूम मालिक का लड़का राहुल कुमार बोल रहा हूँ। और मैं जब घर पे आया तो इनकी जो चाची थी, जो लड़का डेट किया गुड्डू कुमार, वो आके घर पे सोया हुआ था। उसकी चाची बाहर गई हुई थी उधर गरबा देखने के लिए। वो थोड़ी देर पहले आई और ठक ठक कर रही थी, तो मम्मी को आवाज़ दिया कि आंटी मेरा जो भतीजा है वो नहीं खोल रहा है। तो वो हम लोग ऊपर से नीचे आके खिड़की खोल के देखने लगे तो नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ा धक्का दे के देखा तो उसमें लड़का खड़ा जैसा दिखा, तो मेरे को लगा कि वो खड़ा है। फिर जोर से जब धक्का दे के तोड़ा खिड़की को तो आँखें से लटका हुआ था। कितने बजे आप लोगों को पता चला ये? यही 5 से 10 मिनट पहले, अभी से लगभग 9-9.30 बजे। कहाँ का रहने वाला है गुड्डू कुमार? शायद मोतिहारी जिला का है, यूपी में। यहाँ पे कितने दिन से रह रहा है? वो मेरे रूम में लगभग 1 महीने से रह रहा है। अब उनकी जो फैमिली थे वो पहले आगे रहते थे, तो वो लोग 1 महीने पहले ही मेरे रूम में शिफ्ट हुए। यहाँ पर इनका कौन कौन रहता है? उनके जो लड़के के चाचा और चाची और दो भाई रहते हैं। ये जिनका रूम है उनका क्या नाम है? उमेश प्रसाद। धन्यवाद।